हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोस्टिंग रिव्यू में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी अभी मैं देखकर आ रहा हूं कि उल्लू के प्लेटफॉर्म पर एक नई ट्रेलर भी आ चुका है जिसका नाम होने वाला है रिक्शा वाला। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को अपडेट किया था कि उल्लू के प्लेटफॉर्म पर रिक्शा वाला वेब सीरीज जो है, जिनकी मतलब कि जिनमें मतलब कि जीनी जज और भी दो एक्ट्रेस हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इस वेब सीरीज में दो एक्ट्रेस देखने को मिलती है। वहीं उसी को लेकर इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसमें किस टाइप का सीन देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी देखने को मिलेगा, सारी वीडियो में खुलासा करने वाला हूँ, पर्दा उठाने वाला हूँ, घूंघट उठाने वाला हूँ। तो वीडियो कर दीजिए फटाफट से लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को दे सब्सक्राइब, बेल घंटी पर प्रेस, और कुछ भी पूछना बताना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई जो है मैं जरूर देता हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड कि रिक्शा वाले जो वेब सीरीज है इसमें हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, यानी कि किस टाइप का स्टोरी होने वाली है और क्या सीन देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है कि जैसे मतलब ट्रेलर में तो आप लोगों ने अभी ट्रेलर देखे होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आप लोग को समझाता हूँ कि इसमें स्टोरी किस टाइप का देखने को मिलेगा। होता क्या है कि एक रिक्शा वाला रहता है, ठीक है, अब रिक्शा वाला अपने मतलब कि आराम कर रहा होता है, तो वहीं पर क्या होता है कि जो जीनी जज की ननद रहती है, यानी कि उनकी ननद रहती है, वो जो लड़की जो है दूसरी एक्ट्रेस जो देखने को मिलती है वो लड़की रहती है, वो क्या करती है कि मतलब कोई ब्रेकअप होता है ना, किसी लड़के के साथ ब्रेकअप होता है, तो वो मतलब कि नाखुश होकर रोते हुए कहीं से निकलती है और डायरेक्ट रिक्शा वाला के पास हो जाती है और कहती है कि चलो मेरे मतलब कि यहाँ पर पहुँचा दो, ठीक है, अपना एड्रेस बताती है। उसके बाद रिक्शा वाला जो होता है मन मन खुश हो जाता है, उसके बाद उसको लेकर जाता है। अब वो जब दुखी रहती है तो उसको संतावना उतावना देता है रास्ता उस्ता में, उसके बाद उसको मतलब कि अपने बस में करने लगता है, ठीक है। तो जो लड़की रहती है वो तो प्यार से टूटी हुई रहती है, अब इसको भी प्यार की जरूरत है, तो ये क्या करता है कि उससे पैचअप कर लेता है, यानी कि उसके साथ मतलब कि खूब हंसे मजाक मतलब उसको अपने चंगुल में फंसा लेता है और उससे मतलब कि प्यार का नाटक नहीं करता है, प्यार करने लगता है। अब ये बात जैसे ही मतलब कि जीनी जज को मालूम चलता है तो कहती है कि देखो तुम मतलब कि बहुत गरीब हो और मतलब कि तुम अमीर नहीं हो, मतलब कि वो एक ऐसा डायलॉग इसमें बोला गया है कि यदि कोई अनपढ़ भी हो और अगर वो अमीर हो तो तुम्हारा शादी जो है उसके साथ कर दूंगी, लेकिन कोई पढ़ा लिखा हो और वो अगर गरीब हो तो उसके साथ पैसा मतलब कि शादी ब्याह नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा उसमें डायलॉग मतलब कि जीने जैसे जो है वो अपने मतलब के नंद को सिखाती हैं, बतलाती हैं। तो वो क्या होता है कि अब रिक्शा वाला रहता है, उसको तो भाई धन धन दौलत तो उतना ज़्यादा रहता नहीं है, फिर भी क्या होता है कि वो चाल चलती रहती हैं, जेनी जे जो है वो चाल चलती रहती हैं कि किसी भी तरह से मेरी जो ननद है, यानी कि उसको मतलब कि ये रिक्शा वाला जो है किसी भी तरह से छोड़ दे, छुटकारा उसे पा ले, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, वो दोनों क्या करते हैं कि शादी कर लेते हैं, यानी कि जो रिक्शा वाला रहता है और प्लस उनकी जो ननद रहती है दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। फिर भी ये जो रिक्शा वाला है वो भैया बहुत तेज तरह का बहुत ही ठटके टाइप का इंसान रहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी मतलब कि जो बहन मतलब कि सॉरी जो ननद है उसको तो छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे भैया बहुत सारे मतलब कि प्यार के बदले प्यार चाहिए, ठीक है। तो वो प्यार नहीं, लेकिन जिन्हें जज क्या करते हैं कि बहुत सारे पैसा लेकर आती हैं उस रिक्शा वाले के पास और कहती हैं कि देखो तुमको मतलब कि उसको छोड़ना होगा, मतलब कि ननद को छोड़ना होगा, उसका शादी जो है मैं कहीं दूसरी जगह करा दें, यानी कि तलाक वलाक देना होगा, दूसरी जगह शादी कराऊंगी। लेकिन वो क्या करते हैं पैसा जैसे ही देती है तो कहती हैं वो मतलब कि रिक्शा वाला कहता है कि देखिए मैडम जी पैसा से तो मैं मतलब कि इसको छोड़ूंगा नहीं, जिस्म के बदले जिस्म ही चाहिए, प्यार के बदले प्यार ही चाहिए, मुझे तो प्यार का चाहिए। अब वहाँ पर जीनी जज के साथ ही वो जो रिक्शा वाला रहता है वो सीन बनाने लगता है, ठीक है। उसके बाद वो ये क्या करता है रिक्शा वाला उसको छोड़ता नहीं है, मतलब कि वो जिससे शादी किया रहता है उसका ननद को छोड़ता नहीं है। अब उसको मरवाने के लिए अब जीनी जज जो है भैया कट्टा का और मतलब कि दूसरे का सहारा लेती है, जैसे कि बदन में आप लोग को देखने को मिला होगा, ठीक है। बदन वेब सीरीज में भी ऐसा ही था, मतलब कि सस्पेंस जो है ना उल्लू वाला ऐसा ही सस्पेंस दिखाते हैं छोटा मोटा, मतलब कि वो अगर नहीं मान रहा है तो उसको किसी दूसरे के साथ मरवा देना, ठीक है। तो यही ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ तो यही हम लोग का स्टोरी देखने को मिलता है, और सीन की बात करूँ तो भैया अभी तक ट्रेलर में कुछ भी सीन दिखाया नहीं गया है, बाकी देखिए जो वेब सीरीज आती है यानी कि 11 अप्रैल को जो है वेब सीरीज हम लोग को देखने को मिल जाएगी उल्लू के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उससे पहले हम लोग को रैन बसेरा देखने को मिलता है 7 अप्रैल को, तो थोड़ा सा रैन बसेरा यानी कि भारती जाके जो यदि आप लोग फैन है तो भारती जाके ये जो वेब सीरीज है आ रही है फटाफट से, मतलब कि वो भी मतलब कि 7 अप्रैल को ही रिलीज होने वाली है रैन बसेरा, जिसमें कि भारती झा का जबरदस्त सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही छोटा सा रिव्यू था, ओवर वालों की बात करूँ तो यही हम लोग को देखने को मिलेगा, बाकी उल्लू वाले से हमको ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रहा था, ये तो प्राइम प्ले और हंटर की तरह तो दिखाते नहीं है। तो बस एज ए मतलब कि फॉर्मेलिटी निभा देता हूँ मैं भी कि थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ, आप लोग को अपडेट कर दूँ। बाकी आप लोग जो भी वेब सीरीज देखते हैं तो आप लोग बताइए कि कौन सी वेब सीरीज किस प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज आपको सबसे बेस्ट लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले हॉट एनिवर्सरी रिव्यू के साथ, एप्लीकेशन है आपका एनिवर्सरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, धन्यवाद।